मंगलवार को एक बड़े ब्रांडेड कंपनी के ऑपरेशन टीम ने पुलिस के साथ मधवापुर बाजार के विभिन्न हिस्सों में स्थित आधा दर्जन दुकानों में छापा मारकर लाखों के नकली कॉस्मेटिक सामान बरामद किए। इधर छापेमारी की खबर पता चलते ही बाजार में हड़कंप की स्थिति हो गई और धराधर दुकानों के शटर गिरने लगे। क्या देंगे अपना? मेरा नाम धीरज शुक्ला हुआ, मैं यहाँ ऑपरेशन मैनेजर के पद पे हूँ। अभी आप लोग कितने दुकानों में यहाँ छापेमारी की? मैं 7 दुकानों पर किया है। तो कितने की सामग्री बरामद हुई होगी? लगभग 35 से 40 लाख की। कहाँ कहाँ कार्रवाई की है? मधवापुर सुतापट्टी रोड में 6 दुकान किए हैं और नियर बस स्टैंड के पास में 2 दुकान थी, एक दुकान पर कार्रवाई हुई है। दूसरा दुकान जो थी विनायक जनरल स्टोर था, जो कि वो बहुत हंगामा किया, लमसम लाखों के मात्रा में माल बेच रहा है वो, लेकिन उसने उनके सामने वाले उन्होंने दुकानदार बुला के बहुत सारे हंगामा किया है, मारपीट भी करने पर उतारू हो चुका, हाथापाई भी किए हैं, तो मेरे लड़के को धक्का भी दिया है और उन्हें मारने की धमकी भी दिया है। अच्छा, उसके लिए हम आगे कार्रवाई करेंगे। हम छापेमारी के बाद कंपनी के ऑपरेशन मैनेजर धीरज शुक्ला द्वारा मधवापुर थाना अध्यक्ष को आवेदन देकर सभी 7 दुकानदारों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इस संबंध में थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल ने बताया कि जब्त सामग्रियों की जब्ती सूची बनाकर वादी के आवेदन पर उक्त सभी दुकानदारों के विरुद्ध ब्रांडेड कंपनी के नकली सामान बेचने के आरोप में कॉपीराइट एक्ट की धारा 63 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांचोपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।